नमस्कार, मैं हूं तेजिंदर सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने नए एक एनजीओ के साथ एक ऐसा काम करके दिखाया है जो वाकई सराहनीय है। जी हाँ, मेरे साथ हैं नीलम लेखी जी, डॉक्टर नीलम लेखी। मैं आपको बता दूं और ये किस तरह से काम करती हैं, इनकी संस्था किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बताऊँगा। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेशन टाइम पर। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैडम कि जी मिशन पिंक हेल्थ नाम जो आपकी ने संस्था को दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? मिशन पिंक हेल्थ जो है हम लोगों का है किशोर बच्चियों को के स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था है, उस बहुत सोशल वर्क करती है। तो उनको हम लोगों ने इसे किशोर गर्ल्स को, किशोरियों को इसमें लिया है, 10 से 19 साल तक की लड़कियों को हेल्थ के बारे में, जिसमें कि एनीमिया फ्री इंडिया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड कार्सिनोमा सर्विस प्रिवेंशन, सोशल एडिक्शन, गुड टच, बैड टच, आओ गाँव चले, आओ स्कूल चले, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे इसके अंडर हैं। तो चूँकि लड़कियों को टारगेट है, हमारा मेन टारगेट लड़कियों पे है, मेन फोकस, इसलिए इसको मिशन पिंक हेल्थ नाम दिया गया। मैम, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कैसे काम करती है जो ये संस्था है आपकी, वो कैसे काम करती है? हमारी पूरे कंट्री में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सारे पूरे कंट्री में 1,750 ब्रांचेस हैं और उसमें हमारे 3.5 लाख मेंबर्स हैं पूरे कंट्री में। तो उसमें अभी इस मिशन पिंक के अंडर हमने पूरे कंट्री में पहले पूरे कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया है, उनके जोनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, उसके बाद हमने हर स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स बनाए और हर स्टेट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स बनाई गई हैं। और जो टीम्स हमारी मिल के जो हैं कम से कम महीने में हर डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने बार करना है। जैसे हम लोग कुछ ब्रांचेस हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो वीक में एक एक दो दो कैंप्स भी लगा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 15 दिन में एक या महीने में एक कैंप्स लगा रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या है कि सारी टीम्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम्स वहाँ पर जाती हैं, बच्चों का एग्जामिनेशन करती हैं, बच्चों से इंट्रैक्शन करती हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके साइकोलॉजिकल इशूज़ को भी टैकल करते हैं, और उसके अलावा उनका HB डिटेक्शन करते हैं, एनीमिया, जिन बच्चों में एनीमिया है, क्योंकि 55% गर्ल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम है एडोलेसेंट गर्ल्स में, तो इसको डिटेक्ट करके और फिर उनके लिए उनको आयरन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद 3 महीने उन्हीं स्कूल्स में जाके फिर हम उनका फॉलोअप भी करते हैं। अच्छा, ये चुनाव कैसे किया जाता है मैडम, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए कि एक इलाका, पर्टिकुलर कोई इलाका या किन बच्चों को इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो चुनाव कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को इन्हीं बच्चों को ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि जैसे एक हाई क्लास स्कूल्स हैं तो उनमें तो एक हम मान के चलते हैं कि उनमें थोड़ा सा फिर भी क्योंकि खान पान का उनका बेटर होता है तो उनको एनीमिया की प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं तो हम लोग और सरकारी स्कूल्स हैं तो हम ज़्यादा जो फोकस है उन्हीं के ऊपर रख रहे हैं जहाँ पर अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा है। तो हमारा कोशिश ये है कि ज़्यादातर हम उन सरकारी स्कूल्स में उनको, और जो एक्सटीरियर में है जहाँ पे सुविधाएं कम हैं, तो ऐसे स्कूल्स में जाके हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको देखें। मैडम, जब बात इलाज की आती है तो कुछ ऐसे, जैसे आपने बताया जिस तरह से जिनमें ये तमाम तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं, उनको इलाज कैसे दिलाया जाता है और कहाँ इलाज मतलब कराया जाता है, क्या उसका पूरा खर्च संस्था उठाती है? जिनको बच्चियों के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे सारे डॉक्टर्स और ये सब वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, तो हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं उसमें सब पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब तरह के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं तो हमारे ये डॉक्टर्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं उन गर्ल्स को। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मैडम नीलम लेखी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम करती हैं और जो बच्चे
पीड़ित होते हैं तमाम बीमारियों से, उनको किस तरह से इलाज कराने में उनकी मदद करती हैं, और ये जो संस्था है पूरे देश में किस तरह से काम कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, गाज़ियाबाद।